जहां भी मैं गलती करूंगा
मैं कहूं मैंने नहीं कहा ये तो बता देंगी। जहां हजरत तशरीफ फरमा है मर जाना है, क्यों ना अकीदे बेहतर करके मर। हकीकतों से हिजाब हटा दिया जाए।
समझ आ रही है मेरे भाई? आगे बिस्मिल्लाह से अभी नजर पड़े मेरे, हिजाब हटा दिया जाएगा। हटाओ, जब हिजाब हट जाएगा, ओ दुनिया वालों, तर्जमा करने वालों, अन साकिन सीन अलिफ काफ साख साख से हिजाब हटा दिया जाएगा। अल्लाह ने सिर्फ लफ्ज साख कही, किसी साख वाले पिंडली देखे पिंडली साख की लफ्ज काफी माने में आते हैं, साख वाले पिंडली साख से हिजाब हटा दिया जाए। तो अभी जाके आप तस्वीरें देखें, इन्होंने ठीक है कहा कि साख से मुराद इस साख से जो आयत में पढ़ रहा हूं, इन्होंने मुराद लिया है कि कयामत के दिन की सख्ती हौलनाकी, ये तर्जमा इन्होंने इस आयत से किया है। हालांकि साख की लफ्ज पूरे कुरान में 3 दफा आई है। बहुत खुश हो जाओ ना, क्या है पांव पे चल रहे होंगे, कदम कदमों की बात तो अल्लाह ने कर दी, जहां
अभी मैंने पढ़ी है, सारी फजीलतें ही खत्म हो गई उनका सख्ती का तर्जमा करके। हालांकि सख्ती का तर्जमा अलग हो चुका। कयामत वाले दिन जब सबको कुल आलमीन जब से खिलकत हुई जब तक है खुदा के अरबों मिलियन मैदान हश्र में खड़े हुए। कल मैंने अर्ज किया आज मैदान हश्र से कब्रों से कौन उठाएगा? अल्लाह नहीं, इमाम इमाम मेरा इमाम कुल कहेगा। कुल सारे अपनी कब्रों से निकल कर मैदान हश्र में खड़े हो जाए, तरतीब में खड़े हो जाए। अंबिया अपनी सफों में, मुकर्रमीन अपनी सफों में, अब्रार व अखियार अपनी सफों में, रसूल अपनी सफों में, सफे लगी हुई हुई। आलमीन कल दुनिया मखलूक खड़ी होगी, 14 के लिए 14 मिंबर बनाए जाए। छाल को छीले
چیز ہے بندے سے کیا نکلتا ہے اور درخت کی حقیقت درخت کو چھیل کے ہے نا چھیل کے اوپر تو چھال تھی نا اب تو چھیلا تو درخت کی حقیقت سامنے آ گئی اب اللہ سے خوش ہو جائے قیامت میں کسی پر حجاب نہیں ہوگا چوگا پہ حجاب ہوگا قرآن کہہ رہا میرے بھائی قرآن پاک کہہ رہا کیا مجھے صاف ہو ان صاف جس دن صاف سے کیا ہوگا حجاب ہٹا دیا جائے یہ دیکھے صاف کند کے نیچے جو دو زیرے ہیں یہ تنمیم تعظیم کی ہے تعظیم جن کی تعظیم خود اللہ کرے خدا جانے ان کی تعظیم کا مقام کیا ہوگا میں جملہ کہوں یہ تعظیم کی انتہا ہے کہ رسول ہے سجدے میں پشت پہ آ گیا حسین عبادت کا معیار کون جانتا ہے اللہ عبادت کرتا ہے
नहीं जानता प्यारे इबादत कौन जानता। रसूल क्या कह रहे थे, अल्लाह की इबादत का मेयार रसूल जानता है, जिसका उठना बैठना लेटना इबादत है। खुश होकर अल्लाह की इबादत का मेयार है रसूल, और अल्लाह इनकी तासीम का मेयार है अल्लाह। अल्लाह तासीम का मेयार जानता है, जैसे इबादत का मेयार रसूल जानता है, तासीम का मेयार खुद अल्लाह जानता है। अब इसी अल्लाह ने क्या किया, अपनी इबादत में जो सबसे अहम इबादत का दर्जा है सजदा, रसूल को सजदे में सजदे दिया, हुसैन से कहा जाके पोस्ट पे बैठ। Hey, hey.
यानी कि पुष्ट पे आए ना, क्या रसूल को खबर नहीं हुई? ये तस्बीह का बढ़ाना दलील है, ये खबर हुई। अब यहाँ उलमा, पिछले जो उलमा है वो कहते हैं कि जल्दी से दौराने नमाज रसूल ने अपनी रिसालत के मीज़ान आदल में एक पल्ले में नमाज को रखा,
करेंगे 70 तो इमाम हुसैन उतर गए 70 70 गिनने तक नमाज जारी रही और हुसैन ने जारी रखी। हजारों साल का है उस पर फिर बहस करेंगे। सारी कायनात देखेगी जब हिजाब उड़ने
लेकर दिखाए थे खुदा बात, जब सारे ही जाओ चौका से हटा दिए जाएंगे, अब अल्लाह कहता है अब हुक्म दिया जाएगा योदाना इला सुजूद जहन्नम का कौर और उन्हें बुला रहा, उन्हें समझा
कुरान में 37 नंबर आयत में फरमाता है, यौमा उसी दिन एक मजार हासिल है, यौमा याजु जालिम अला यदै, जालिम अपनी उंगलियां काटे। पूछा गया मौला जालिम कौन है, कहूं जालिम कौन है, फरमाया जालिम ही वही है जो मुनकर विलायत है अली।
आखिर एक एक खैमे में आके माहौल देखा, तुरंत देखे आप इमाम बाहर निकले। आखिरी खैमा था जनाब उम्मे लैला का, ये वालिदा है जनाब अली अकबर अलैहिस्सलाम की। जो ही इमाम अंदर दाखिल हुए क्या देखा, उम्मे लैला एक चराग लेकर अली अकबर का चेहरा Thank you.